हाय गाइस, आज हम सेवन्थ चैप्टर द एडवेंचर का फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने इसके थ्री पार्ट्स पढ़ लिए हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि जयंत नार्लिकर के द्वारा लिखी गई है। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आप पूरी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सको। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। He found a guest house to stay in and had a frugal meal. उसने ठहरने के लिए एक गेस्ट हाउस ढूंढा और एक फ्रूगल मील किया। फ्रूगल मील का अर्थ है इकोनॉमिक, जो कि सस्ता हो। He then set out for a stroll towards the आज़ाद मैदान। तब वह आज़ाद मैदान की ओर सैर करने के लिए निकल पड़ा। In the मैदान he found a throng मूविंग टूवर्ड्स अ पंडाल। और मैदान में उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ी लोगों की भीड़, थ्रंग का मतलब है बहुत बड़ी भीड़, जो कि पंडाल की ओर आगे बढ़ रही थी। सो आ लेक्चर वाज टू टेक प्लेस, क्योंकि वहाँ पर एक भाषण चल रहा था। फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर गाइटोंडे टूवर्ड्स द पंडाल। और अपनी आदत से मजबूर होने की वजह से प्रोफेसर गाइटोंडे पंडाल की ओर आगे बढ़ा। द लेक्चर वाज इन प्रोग्रेस, जब आगे वो गया तो उसने देखा कि लेक्चर जारी था। ऑल दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, यद्यपि लोग आ रहे थे और जा रहे थे, मतलब कुछ लोग आ रहे थे कुछ जा रहे थे और लेक्चर जो है वो जारी था। बट प्रोफेसर गाइटोंडे वाज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, परंतु प्रोफेसर गाइटोंडे श्रोताओं की ओर नहीं देख रहा था। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म एज इफ मेजमराइज्ड, वह तो केवल प्लेटफॉर्म की ओर देख रहा था जैसे वो बहुत ही आकर्षित उसे कर रहा था। मेजमराइज्ड होकर, बहुत ही फैसिनेटेड होकर वो स्टेज की ओर देख रहा था। देयर वॉज अ टेबल एंड अ चेयर बट द लैटर वॉज अनऑक्यूपाइड, इस प्लेटफॉर्म पर एक टेबल और एक चेयर थे लेकिन वो चेयर खाली थी। द प्रेजिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड, द साइट स्टर्ड हिम टू द डेप्थ, अध्यक्ष की कुर्सी खाली, इस दृश्य ने उसे अंदर तक हिला दिया, उसे गहराई तक हिला दिया। लाइक अ पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट He swiftly moved towards the chair, जैसे कि एक लोहे का टुकड़ा किसी मैग्नेट की ओर आकर्षित हो जाता है, उसी तरह से प्रोफेसर गाइटोंडे भी उस कुर्सी की ओर जल्दी से आगे बढ़ा। The speaker stopped in mid sentence, too shocked to continue. भाषण देने वाला आधे अधूरे सेंटेंस में ही रुक गया, क्योंकि वो इतना स्तब्ध हो गया, टू शॉक्ड, क्योंकि वो इतना स्तब्ध हो गया कि अपने भाषण को जारी नहीं रख सकता। बट द ऑडियंस सून फाउंड द वॉइस, लेकिन जो श्रोता थे, जो ऑडियंस थी, वो जल्दी ही एक आवाज़ को ढूंढ पाई। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जल्दी ही बोल पड़े। क्या बोल पड़े? बकेट द चेयर। अब प्रोफेसर गाइटोंडे जाकर उस स्टेज पर रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गया। भाषण करने वाला अधूरे सेंटेंस के साथ ही रुक गया, लेकिन ऑडियंस ने तुरंत कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया? बकेट द चेयर, कि इस कुर्सी को खाली कर दो। द लेक्चर सीरीज हैज नो चेयरपर्सन, इस भाषण श्रृंखला का कोई भी अध्यक्ष नहीं है। ये बारी बारी से ऑडियंस में से आवाज आ रही हैं। किसी और ने कहा, अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, इस प्लेटफॉर्म से दूर हो जाओ। द चेयर इज सिम्बोलिकल, डोंट यू नो, ये कुर्सी सांकेतिक है, सिम्बोलिकल है, सांकेतिक है, डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है। बट नॉनसेंस, हूएवर हर्ड ऑफ अ पब्लिक लेक्चर विदाउट अ प्रिजाइडिंग डिग्नेटरी। अब प्रोफेसर गाइटोंडे ने क्या कहा कि कितनी मूर्खता वाली बात है, ये तो मूर्खता वाली बात है। क्या है मूर्खता वाली बात? कि इस तरह के पब्लिक लेक्चर को बिना किसी अध्यक्षीय डिग्नेटरी के बिना कौन सुनता है।
प्रोफेसर गायटोंडे बेंट टू द माइक एंड गेव वेंट टू हिज व्यूज। प्रोफेसर गायटोंडे माइक पर गया, माइक के पास वो गया एंड गेव वेंट टू, इसका अर्थ होता है टू एक्सप्रेस वन्स फीलिंग्स एंड आइडियाज, और अपने विचारों को उन्मुक्त होकर विचार व्यक्त करने लगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हेमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिना अध्यक्ष के भाषण शेक्सपियर के हेमलेट के तरह है, जिसमें कि डेनमार्क का कोई भी प्रिंस नहीं होता। लेट मी टेल यू, मैं आपको समझाता हूँ। अब वो समझाने की कोशिश करता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि अनचेयर्ड लेक्चर कहीं पर दिया जा रहा है, यदि बिना अध्यक्ष के कोई पब्लिक लेक्चर दिया जा रहा है, तो वो हेमलेट के वो शेक्सपियर के हेमलेट की तरह है, जिसमें डेनमार्क का कोई भी प्रिंस नहीं दिखाया गया है। बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, परंतु ऑडियंस सुनने के मूड में नहीं थी। टेल अस नथिंग, अब उसी ऑडियंस में से फिर से आवाज जाने लगी कि हमें कुछ मत बताओ। वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर ऑफ बोट ऑफ थिंग्स ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शंस, हम अध्यक्ष की तरफ से लंबी लंबी टिप्पणियों, बोट ऑफ थिंग्स और लंबी लंबी इंट्रोडक्शन से ऊब चुके हैं, तंग आ चुके हैं। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, हम केवल स्पीकर को ही सुनना चाहते हैं, हम केवल भाषण देने वाले को ही सुनना चाहते हैं। वी एबोलिस्ट द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग अगो, हमने पुरानी रीति रिवाजों को बहुत पहले, एबोलिस्ट का मतलब है ख़त्म कर दिया है। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज, कृपया प्लेटफॉर्म को खाली कर दो। बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग्स एंड हैड फेस्ड द पुणे ऑडियंस एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल, ही कैप्ट ऑन टॉकिंग। परंतु गंगाधर पंत को 999 सभाओं में बोलने का अनुभव था, और उसने पुणे की सबसे अधिक हॉस्टाइल ऑडियंस को फेस किया था, सामना किया था। हॉस्टाइल का मतलब है प्रतिकूल, जो सुनने के लिए तैयार ना हो, जो अनुकूल वातावरण ना बनाए। ही कैप्ट ऑन टॉकिंग, उसने कहना जारी रखा। ही सून बिकेम अ टारगेट ऑफ अ शावर ऑफ टमाटोज एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, वह जल्दी ही टमाटरों, अंडों और दूसरी चीज़ों के निशाने पर आ गया। अब लोगों ने अंडे, टमाटर और दूसरी चीज़ें उसके ऊपर फेंकनी शुरू कर दी। बट ही कैप्ट ऑन ट्राइंग वैलिएंटली टू करेक्ट दिस सैक्रिलेज का मतलब है पवित्र भावना, लेकिन उसने इस भाषण की पवित्र भावना को बनाने की कोशिश जारी रखी। फाइनली द ऑडियंस स्वार्म्ड टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडली, लेकिन आखिरकार श्रोता या ऑडियंस मधुमक्खियों की तरह स्टेज पर पहुँचे, बहुत बड़ी संख्या में पहुँचे और उसे शारीरिक रूप से स्टेज से उतार दिया। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वाज नोवेयर टू बी सीन, और उस भीड़ में गंगाधर पंत कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ा। दैट इज ऑल आई हैव टू टेल रजिंदर, अब इतनी कहानी जो है वो उसने बीते हुए उस अनुभव के बारे में सुना दी। अब आगे वो प्रेजेंट में आ चुका है, इस अपने असली संसार में आ चुका है, और उस असली संसार में आकर रजिंदर को वो ये सब सुनाता है, और वो कहता है, और ऐसे सुनाते हुए वो कहता है कि रजिंदर, मेरे पास यही कुछ बताने को था। ऑल आई नो इज दैट आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग, उसके बाद जो कुछ भी मुझे याद है वो ये कि अगली सुबह मैं अपने आप को आज़ाद मैदान में गिरा हुआ पाता हूँ। अगली सुबह उसने आज़ाद मैदान में अपने आप को इस तरह से गिरा हुआ पाया। बट आई वॉज़ बैक इन द वर्ल्ड आई एम फैमिलियर विद, परंतु जब
अगली सुबह वो आजाद मैदान में अपने आप को पाता है तो वह उस संसार में लौट आया था जिससे वो परिचित था, फैमिलियर था। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज टू डेज व्हेन आई वाज एब्सेंट फ्रॉम हियर। अब वह राजेंद्र से प्रश्न कर रहा है कि मुझे ये बताओ कि मैंने वास्तव में वो दो दिन कहाँ पर बिताए जब मैं इस संसार से गायब था, एब्सेंट था। राजेंद्र वाज डम्प हाउंडेड बाय द नेटिव। राजेंद्र डम्प हाउंडेड हो गया इस कहानी को सुनकर। डम्प हाउंडेड का मतलब है स्टक डम विद एस्टोनिशमेंट, हैरानी की वजह से कुछ भी बोल ना पाना। इट टुक हिम अ लॉन्ग वाइल टू रिप्लाई, और उसे उत्तर देने में काफ़ी समय लग गया। प्रोफेसर बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कोलिजन विद द ट्रक व्हाट वर यू डूइंग, राजेंद्र आस्क्ड। अब राजेंद्र ने पूछा कि प्रोफेसर ट्रक के साथ तुम्हारी टक्कर के ठीक पहले तुम क्या कर रहे थे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रोफी थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री। मैं कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में सोच रहा था। कैटास्ट्रोफी का मतलब है अचानक विपत्ति आ जाना। तो मैं कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में और इतिहास में उसके लागू होने के बारे में सोच रहा था। राइट आई थॉट सो, राजेंद्र स्माइल्ड। अब राजेंद्र मुस्कुराता है, उसने कहा कि ठीक मैंने भी यही सोचा। डोंट स्माइल स्मगली। अब प्रोफेसर कहता है कि इस तरह से ज़्यादा संतुष्टि भरी अंदाज में मत मुस्कराओ। इन केस यू थिंक दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमक, लुक एट दिस। बेकाबू हो रही थी, रनिंग अमक का मतलब है रनिंग वाइडली, अनकंट्रोलेबल। यदि मेरी इमेजिनेशंस बेकाबू हो रही थी और मेरा दिमाग ही मेरे साथ चालाकी कर रहा था तो ये देखो, लुक एट दिस, तो ये देखो, क्या देखो। एंड ट्रिम्पली प्रोफेसर गाइटोंडे प्रोड्यूस्ड हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, और बड़े विजयी भाव से प्रोफेसर गाइटोंडे ने अपना सबूत दिखाया। अ पेज टॉर्न आउट ऑफ अ बुक, और ये सबूत जो था, ये एविडेंस जो था, वो एक किताब से फटा हुआ पन्ना था। राजेंद्र रीड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज एंड हिज फेस अंडर बेंट अ चेंज। अब जब उसने वो पन्ना दिखाया तो राजेंद्र ने वो प्रिंटेड पेज पढ़ा और उसका चेहरा साफ तौर पर बदला हुआ प्रतीत हुआ। गॉन वाज द स्माइल एंड इन इट्स प्लेस केम अ ग्रैव एक्सप्रेशन। अब राजेंद्र की स्माइल जा चुकी थी और स्माइल की जगह, उसकी मुस्कुराहट की जगह बहुत ही गंभीर भाव दिख रहे थे। ही वॉज विजुअली मूव्ड, वह स्पष्ट रूप से विचलित प्रतीत हो रहा था। मूव्ड हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सैडनेस और सिंपथी, जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सैडनेस प्रतीत होती हैं तो उसको मूव कहा जाता है। वो स्पष्ट रूप से विचलित प्रतीत हो रहा था जब उसने वो फटा हुआ कागज का पन्ना सबूत के तौर पर पढ़ा। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, प्रेस्ड होम का मतलब है मौका ताड़ा, मौका देखा। गंगाधर पंत ने अब इस मोमेंट का, क्षण का मौका देखा। आई हैड इनएडवर्टेंटली स्लिप्ड द बुक इन माई पॉकेट एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी। और गंगाधर पंत ने अब आगे कहा कि जब मैं लाइब्रेरी से निकला तो इनएडवर्टेंटली विदाउट इंटेंशन, बिना किसी इरादे के, तो बिना किसी इरादे के मैंने अपनी जेब में बखर्स की किताब रख ली थी। जब वो लाइब्रेरी से चला, ऐसा नहीं है कि उसने चुरा ली थी, ऐसे मतलब समझ लेना आप कि वो चोर था। इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है बिना किसी इरादे के। वो नोट्स डाल रहा था तो उन नोट्स के बीच में ही वो छोटी सी बखर की किताब भी उसने अपनी जेब में रख ली थी। आई डिस्कवर्ड माई एरर व्हेन आई वॉज पेइंग फॉर माई मील, जब मैं भोजन का बिल चुकाने लगा तो मुझे अपनी गलती का पता चला। एरर का मतलब है गलती। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इट द नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने इसे अगली सुबह लौटाने की सोची थी। बट इट सीम्स दैट इन द मिली ऑफ आजाद मैदान,
द बुक वॉज लॉस्ट, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आजाद मैदान की मिली का मतलब है अ ग्रेट क्राउड, अ कंफ्यूज्ड क्राउड। ऐसा प्रतीत होता है कि आजाद मैदान की भीड़ में वो किताब कहीं पर खो गई। ओनली दिस टॉर्न ऑफ पेज रिमेंड, केवल ये फटा हुआ पन्ना ही बच गया। एंड लकली फॉर मी द पेज कंटेन्स वाइटल एविडेंस, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि उसी पन्ने पर वो बहुत बड़ा एविडेंस था, सबूत था। राजेंद्र अगेन रीड द पेज, इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट। राजेंद्र ने दोबारा से इस पेज को पढ़ा जिसमें ये लिखा था कि किस तरह से विश्वास राव को गोली लगते लगते बची। एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन ओमन बाय द मराठा आर्मी, और इस घटना को मराठा सेना ने किस प्रकार से एक ओमन, एक शगुन की भांति लिया, टर्न द टाइड इन देयर फेवर, और सारे घटनाक्रम को अपने अनुकूल ढाल दिया। नाउ लुक एट दिस, गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ओन कॉपी ऑफ भाऊ साई बंचे बखा। अब गंगाधर पंत ने एक और भावसाई बंची बखर की किताब निकाली और कहा कि लुक एट दिस, कि अब यहाँ देखो, ओपन्ड एट द रेलिवेंट पेज, और उसी पेज पर उस किताब को खोला। द अकाउंट रैन दस, और उस किताब में घटनाक्रम इस तरह से लिखा गया था। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली वेयर द एलीट ट्रूप्स वर फाइटिंग, और तब विश्वास राव ने अपने घोड़े को उस भीड़ की ओर आगे बढ़ाया जहां पर शाही सेनाएं लड़ रही थी। ही एंड ही अटैक देम, और उसने उन पर आक्रमण कर दिया। एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, और भगवान ने उसके ऊपर अपनी कृपा नहीं की। ही वॉज हिट बाई अ बुलेट और उसे गोली लग गई। तो इस तरह से एक जो फटा हुआ पन्ना था उसमें कुछ और विवरण था, और जो किताब में उसी पेज पर जो पन्ना था उस पर इस तरह से लिखा गया था कि भगवान की विश्वास राव पर मेहरबानी नहीं हुई और एक गोली उसे लग गई। प्रोफेसर गाइटोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट एन आइडिया और सब्जेक्ट टू थिंक अबाउट, किसी विषय पर विचार करने के लिए कोई आइडिया दे देना। प्रोफेसर गाइटोंडे, तुमने मुझे विचार करने के लिए एक आइडिया दे दिया है। अनटिल आई सॉ दिस मटेरियल एविडेंस आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी। जब तक मैंने ये मटेरियल एविडेंस नहीं देखा था तब तक मैंने आपके इस अनुभव को केवल एक कल्पना माना था। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटासीज, परंतु जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो कल्पनाओं से ज़्यादा अनोखे हो सकते हैं। एज आई एम बिगनिंग टू रियलाइज, जैसा कि अब मैंने महसूस करना आरंभ कर दिया है। फैक्ट्स, वट आर द फैक्ट्स, अब गंगाधर पंत आगे पूछता है कि तथ्य क्या है। आई एम डाइंग टू नो, मैं ये जानने के लिए आतुर हूँ। डाइंग टू नो का मतलब है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतुर होना, बहुत ज़्यादा उतावला होना, यहाँ ऐसा मतलब मत समझ लेना कि वो मरने वाला है। प्रोफेसर गाइटोंडे ने कहा। आगे कुछ क्वेश्चन है, नेक्स्ट। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ टेक केयर, हैव अ नाइस डे।